गार्डन में भी सब जगह पुलिस ही पुलिस का कब्जा हो रखा है इस तरीके से। और यहाँ पे गार्डन में भी फुल सिक्योरिटी टाइट है। मैंने कैमरा किस तरीके से पकड़ा है वो मेरे को ही पता है। मेरे जस्ट सामने पुलिस है, मैं कैमरा उस साइड भी नहीं कर सकता। सो गाइज, मैं यहाँ पे भी थोड़ा मेट्रो स्टेशन के बाहर आ गया था और मैं यहाँ पे थोड़ा बैठा हूँ और मैं आपको दूसरी क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा मेरे पीछे वाले साइड ना काफ़ी सारे पुलिस वाले खड़े हैं, मतलब सिक्योरिटी एकदम टाइट हो रखी है यहाँ पे। चारों तरफ पुलिस वाले हैं भाई साहब एक तरीके से। वीडियो में देखो आप, इस तरीके से वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं और चारों तरफ उनकी नज़र है एक तरीके से, और काफ़ी हाई अलर्ट पे हैं ये। और इस टाइम पे तहरान में क्या सिचुएशन है वो मैं ही जान सकता हूँ आखिरकार, क्योंकि आप लोग तो वीडियो से देख रहे हो बट आपको इतना करेक्ट आइडिया नहीं मिल पा रहा कि क्या सिचुएशन है। मैं इस टाइम पे यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं ही फील कर पा रहा हूँ कि आखिर सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम पे। जैसे अफ़गानिस्तान में चला था ना तालिबान का सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट एक टाइप से चेंज होने वाली है पूरी की पूरी। मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेस्ट पे आ चुके हैं कि यार ये मतलब गवर्नमेंट को चेंज करके ही मानेंगे, बट देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल के लिए रोड साइड पे बैठा हूँ इस तरीके से, और थोड़े से मेरे पीछे वाले साइड पुलिस वाले हैं। और यार एम्बेसी में गया था तो देखो, एम्बेसी में गया पर वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि आज एम्बेसी बंद है। मैंने कहा यार ऑनलाइन तो शो कर रहे हैं एम्बेसी खुली है, वीज़ा लेना है, ये है वो है। कहते नहीं, आज एम्बेसी बंद है, आज आप वीज़ा नहीं ले सकते, आपको कल आना पड़ेगा। मैंने कहा यार कल फिर चक्कर काटना पड़ेगा यार एम्बेसी के, यार इनके यही चक्कर रहते हैं, एम्बेसी के चक्कर काटने पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा। चलो चलते हैं यार, अब मना कर ही दिया तो क्या कर सकते हैं। गाइस देख सकते हो कैसे फुल भरी हुई है मेट्रो यार, बोलो तो छकाचक, ये तो दिल्ली मेट्रो से भी ज़्यादा फुल भरी है यहाँ पे। फिर से पंगा हो गया यार, घर पे चल के बताता हूँ यार, अपने होस्ट के घर पे चल के बताता हूँ कि क्या हुआ था। फिर से पंगा हो गया यार, मतलब जब से ईरान आया हूँ ना पंगे हो रहे हैं, पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं मेरे को, दूसरी बार पकड़ लिया। पूरी स्टोरी बताता हूँ घर चल के। सो गाइज, मैं अपने होस्ट के घर पे आ गया फाइनली, और मैं अब आपको बता देता हूँ कि आखिर क्या हुआ मेरे साथ एक्चुअली में, क्योंकि यार काफ़ी क्या ही बोलूँ यार, काफ़ी अजीब सा दिन था यार। मैं अचानक से वहीं पर घूम ही रहा था एक साइड से स्ट्रीट्स पर, तो वहाँ पे अचानक से पुलिस आ गई। उनको पता नहीं मेरे पे क्या डाउट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो अचानक से मेरे पास आके कहने लगी हु आर यू, और जैसे ही मैंने बोला आई एम अ टूरिस्ट, वो भाई साहब उन्होंने मेरे को धक्का दिया और बोलते यू शुड पता नहीं क्या ही फारसी में बोल के मेरे को गाड़ी में ले गए अपनी, और मेरे दोनों हाथों पर जो हथकड़ियाँ टाइप की होती है ना वैसे करके उन्होंने बांध दी। मेरे को समझ नहीं आया कि कर क्या रहे हैं, मैंने टूरिस्ट बोल दिया तो पता नहीं क्या। तो आधा घंटा उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा, इसके बाद पता नहीं एक बंदा आके पता नहीं क्या ही बोल के गया कि गो गो यू, तो पता नहीं क्या। फिर अचानक से जिस गाड़ी में उन्होंने मेरे को बिठाया था तो गाड़ी चलने लगी, और पता नहीं जब एक बंदा मेरे साथ गन लेके यहाँ बैठा था, एक बंदा यहाँ गन लेके बैठा था, मेरे दोनों हाथ हथकड़ी में बांध दिया था उन्होंने, और मेरे को बोलते कि चलो आप, मतलब मेरे को तो क्या ही बोला, मतलब मेरे को लेके ही जा रहे थे पुलिस स्टेशन में। और मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो एक टाइप से सच में पुलिस स्टेशन ही था वो, और फिर वहाँ पर जाके मैंने देखा तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो रखी वहाँ पर। काफ़ी मतलब टूरिस्टों को पकड़ा था, उसमें से जिनको मैंने देखा वो एक दो बंदे थे, जिधर मैंने उनसे पूछा तो दो रशियन के बंदे थे वहाँ पे, उनको भी इस तरीके से पकड़ा हुआ था। तो मुझे पता नहीं लगा यार पकड़ क्यों रहे हैं, मतलब रीज़न क्या है। तो उन्होंने पता नहीं फिर वहाँ पे किसी को कॉल वॉल किया, जिन्होंने मेरे को पकड़ा था उन्होंने कॉल वॉल किया, तो उन्होंने बातचीत की किसी अपने ऑफिसर से पता नहीं किससे। तो थोड़ी देर बाद एक दो घंटे बाद उनका ऑफिसर आता है मेरे पास, तो मेरे को पता नहीं उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो मेरे को बोलता कि भाई व्हाई यू केम इन ईरान राइट नाउ, आई सेड आई हैव अप्लाइड फॉर वीज़ा, लाइक माई वीज़ा इज एक्सपायरिंग, दैट्स व्हाई आई केम एंड आई, मतलब मैंने उसको यही बोला कि यार मैंने वीज़ा ले रखा था और मेरी फ्लाइट टिकट हो रखी थी, इसलिए मेरे को आना पड़ा। अब मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता था यार, वो फिर वेस्ट चला जाता पूरा, तो इसलिए मैं आया। मैंने उसको सिंपल ये चीज़ समझाई तो बोलता नो ये सही टाइम नहीं है ईरान आने का, यहाँ पर तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसने बस मेरे को ये, इसके बाद पता नहीं वो वापस चला गया। इसके बाद वो तीन चार घंटे बाद फिर आता है, तीन चार घंटे जब मैं खाली अकेले बैठा रहता हूँ तब मेरा दिमाग पूरा घूम जाता कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। जब से आया हूँ तहरान के अंदर यही सब चीज़ें हो ही जा रही हैं, दूसरी बार पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मैं एक तरीके से। सही में यार मतलब प्रोटेस्ट जो चल रहा है ना उसमें एक तरह से टूरिस्ट भी फंस रहे हैं। तो दो रशियन लड़के थे, वो भी टूरिस्ट ही थे, वो भी घूमने के लिए आए थे, बट
उनके साथ भी यही सब हो रहा था। मेरे को नहीं पता उनको कहाँ से पकड़ के लेके आए थे, बट वो भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो इसके बाद फिर उन्होंने 4-5 घंटे बिठा के रखा इसके बाद। पर हाँ ये है कि वो खातिरदारी काफ़ी अच्छी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि यार पुलिस स्टेशन में ले जाके मार रहे थे या कुछ कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पूछ रहे थे खाने पीने के लिए भी पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए, वाटर, फूड। मैं कहा नहीं भाई मुझे छोड़ दो, मेरे लिए वही बहुत है। मतलब तो 5-6 घंटे बाद उनका फिर से वो ऑफिसर आता है 4-5 घंटे बाद। इसके बाद फिर वो बोलता है, पता नहीं कुछ बोलता है कि मतलब ऐसा कुछ बोलता है, जहाँ पे पुलिस होती है वहाँ पे मत घूमना आप, मतलब अवेयर रहना उनसे, इस तरीके से कुछ उसने इंग्लिश में बोला था। इतना इतना मैं समझा होगा, पता नहीं उसकी इंग्लिश भी काफ़ी टूटी फूटी थी, बट फारसी में मेनली बात करते, तो मैं इतना इतना समझ गया। फिर रशियन वाले बंदों ने भी यही बोला उन मेरे को, क्योंकि हम तीनों को उस वाले ऑफिसर ने साथ में ही छोड़ा। तो इसके बाद फिर रात में, रात के कोई 11:30 बजे उसने मेरे को छोड़ा यार। रात के 11:30 बजे मैं क्या करता, पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, एक तो मेरे को लोकेशन नहीं पता कि कहाँ लेके गए, तो उन्होंने बस पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ दिया एक टाइप से। फिर मैंने एक टैक्सी बुलाई, टैक्सी वहाँ पे आई, फिर मैंने टैक्सी को पे किया, टैक्सी वाला मेरे को अपने होस्ट के घर पे लेके आया अभी। और इस टाइम पे रात के कुछ 12:30 बज रहे हैं रात में, और क्या ही दिन बीता है, मतलब कहाँ से शुरुआत की थी और अब जाके ख़त्म हो रही है। और जो मेरा होस्ट है वो एक्चुअली सो चुका है, वो भी यही कहता कि यार भाई अनएक्सपेक्टेड है यार आजकल ऐसे टूरिस्ट के साथ यहाँ पे ईरान में हो रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो मतलब कुछ कह नहीं सकते कि क्या मतलब चीज़ें हैं। तो यही है यार, अब तहरान में जब से आया हूँ 2 बार पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ, अब आगे पता नहीं क्या होगा। आगे शायद मे भी मैं किसी और सिटी में चला जाऊंगा यार ईरान की, क्योंकि यहाँ पे तो माहौल काफ़ी गड़बड़ा गया सा है, गड़बड़ा गया हुआ है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में यार, इस वीडियो में तो यही सब था। अगली वीडियो अगर मतलब इन सब चीज़ों से नहीं वो करना यार, मतलब जाऊंगा मैं कहीं किसी और सिटी में चला जाऊंगा, या फिर देखूंगा 1-2 दिन और रहूंगा इसके बाद फिर चला जाऊंगा किसी और सिटी में। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में यार, इस वीडियो में तो यही था। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।